अखिलेश भाई अगर ईमानदार नेता होते और ईमानदारी से काम करते तो आज एक बात ना, कहाँ है अखिलेश जी, नागरिकता संशोधन बिल CAA NRC NRP पे क्यों नहीं बोल रहे, NPR पे बतलाइए एक बार ना, कहाँ बोल रहे नहीं, मैं सुने एक खबर सुनता हूँ, कहाँ बोल रहे, ड्रेवे हैं बीजेपी से, बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए, मेरे से ज्यादा कौन जानता है अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव के जज्बे को देख के तो मैं साथ लगा था, अगर अखिलेश यादव अपना जज्बा कायम रखते तो आज यूपी में उनकी सरकार ना होती। देखिए अब तक हमारी बहुजन की कोई पार्टी नहीं थी, कभी किसी समय काशीराम साहब ने एक मूवमेंट चलाया था और उसके पद चिन्हों पर BSP चली, परंतु आज वो भी हमारे लोगों की नहीं सुन रही। आज हमें मजबूरी में जब हमारे कोई सुन नहीं रहा तो अपने अधिकारों के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ा, परंतु उतने मुकदमे लगा दिए इस सरकार ने कि अब हमें महसूस हुआ कि हमारा लाइफ ऐसा ना हो कि जीवन भर जेल में ही कट जाए और हम अपने लोगों का भला कैसा करेंगे। आपने कहा कि BSP थी और मिशन से भटक गया, आपका कहने का मतलब है जी, लेकिन आज जो लोग शामिल हुए ज्यादातर वो BSP के लोग हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं, वो लोग BSP से तभी निकल के आए क्योंकि वो मिशन पर काम कर ही नहीं रही। यदि मिशन पर काम होता तो वो लोग वहीं रहते, जब मिशन पर वहाँ काम ही नहीं हो रहा, वहाँ तो मिश्रा जी का काम हो रहा है। ठीक है, तो अब चंद्रशेखर भाई ने जैसे ये पार्टी बनाई है और पूरा बहुजन मूवमेंट जिसके अंदर पूरा 85% लोगों को लेकर चल रही है, इन मनुवादियों के लिए, इन मनुवादियों के सामने लड़ने के लिए अब हमारी अपनी पार्टी है, अपने लोग हैं, तो हम सत्ता में आएंगे। एक देखो, बाबा साहब ने भी कहा था, जब तक आप लोग सरकार में नहीं आएंगे, जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं आएंगे अपने लोगों के लिए, आप भला कर ही नहीं सकते। तो हमें कुर्सी पर जाना है, सरकार में भी जाना और अपने लोगों के लिए। आपको पूरा विश्वास है कि अब जो पार्टी बनी है ASP, ये मिशन को आगे बढ़ाएंगे? 100% मिशन को आगे बढ़ाएंगे और आप देखिएगा 2022 में यूपी के अंदर BSP अपनी आजाद, चंद्रशेखर आजाद भाई वाली पार्टी सरकार बनाएगी। तो क्या लगता है भीम आर्मी मिशन को नहीं बढ़ा रही थी? भीम आर्मी तो पैरेलल चलती रहेगी। देखिए जैसे कि RSS बजरंग दल BJP के पीछे कार्य करता, ऐसे भीम आर्मी खत्म नहीं हुई है, भीम आर्मी अपना कार्य करती रहेगी। जो मिशन की मूवमेंट है, भीम आर्मी एक अलग पार्ट पर चलेगी और पार्टी अपने अलग पार्ट पर चलेगी। जैसा अभी चंद्रशेखर ने अपने भाषण में भी कहा कि यूथ को बहुत जगह दी जाएगी, लेकिन अभी जो मंच पर लोग दिखाई दे रहे हैं वो तो सारे बुजुर्ग लोग हैं ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत लोग हैं जो और अदर पार्टियों से आए हैं, जिनका हम भैया ने स्वागत किया है। इन पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? क्या पता कल को कहीं लाला चाहे, अभी तो BSP से आए ये दूसरी पार्टी में तो जा। देखिए इसमें तो कुछ नहीं कहा जाता कि विश्वास कैसे किया जाए, ये तो अब फ्यूचर ही बताएगा कि कैसे विश्वास किया जाएगा। इसमें तो अभी इस मूवमेंट में तो इस टाइम पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक कहीं ना कहीं बात खड़ी हो रही है कि जो BSP पार्टी है यूपी में, कहीं ना कहीं उसको कमजोर करने के लिए चंद्रशेखर ने पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं है, हम बहन जी का सम्मान करते हैं, हमारी बुआ जी हैं, तो ऐसा नहीं है हम उनके कहीं अनादर किया हो, हम आज भी आदर करते हैं, परंतु मिशन पर वो काम नहीं कर रहे तो हमें मजबूरी में अपनी पार्टी उतारनी पड़ी। अनादर वाली बात तो आप भी कह रहे हैं, बुआ जी के नाम से जब वो चलती हैं, उनको एक उपाधि मिली हुई है बहन जी के नाम से, तो आप बुआ जी कैसे कहते हैं? बुआ जी के नाम कई बार पंगे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो गुजर समाज से हूँ, वो मेरे जो वहाँ पर गुजर भाई हैं वो सब अपनी बुआ ही बताते हैं, मैंने तो उस कारण उनको बुआ जी कहा है, बाकी तो उनको सबने आदर में बहन जी ही बोलते हैं, वो अलग इशू है, पर हम तो बुआ ही कहेंगे, हमारे गुजर गाँव से हैं तो हम तो उनका गुजर ही जो है बुआ जी कहते हैं, बुआ जी कहेंगे। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो चंद्रशेखर के साथ हमेशा जो लोग रहते थे, आज जिन्होंने कई बार जेल से बाहर निकाला है इसको और इसके साथ हमेशा खड़े रहे, वो लोग आज नदारत हैं यहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे लोग आई हुई है टीम, हम महमूद प्राचा नहीं है यहाँ, हो सकता है नहीं कोई मजबूरी हो गई, पर्सनल अपने काम से फंसे हो, उनकी पूरी टीम ही नहीं है यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्राचा साहब की तो पूरी टीम यहाँ पर है, ऐसा नहीं है वो अपने किसी पर्सनल काम से कहीं बाहर फंस गए हो, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, किसी तरह का किसी में प्रजा जी देख रहे हैं, पूरी टीम आई है, उनकी लीगल टीम, हमने काफ़ी लोग हमको मिले, सभी लोग आए हुए हैं, आर्य साहब हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो आए हुए हैं, मैं खुद एडवोकेट हूँ। लेकिन जो दिल्ली के कुछ टीम थी भीम आर्मी की, वो भी नहीं है? नहीं, सारे टोटल लोग हैं दिल्ली के, सम्राट वगैरह, सुई सम्राट जी को मैं उनके बारे में तो नहीं बता सकता कि वो करके 6-7 महीने पहले। हाँ, तो अब लगता है आपको मिशन ठीक से चलेगा? जी बिल्कुल, 100% चलेगा, क्योंकि देखिए मिशन भीम आर्मी अपना
काम करेगी वो पैरेलल बॉडी है, जो भी काम होगा भीम आर्मी के माध्यम से ही होगा। जो पार्टी के लोग हैं, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे। आप भी कार्यकर्ता भीम आर्मी के, जब चंद्रशेखर भाई ने अभी कहा कि अनुशासन बहुत कमी है, कई बार प्रोग्राम हमने भी कवर किया, अनुशासन का बिल्कुल भी नहीं है भीम आर्मी। देखिए ऐसा होता, जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता तो बच्चे बड़ा शुरू में विचलित रहते हैं, उनको हर गलतियाँ माफ भी कर दी जाती है। तो जब समय आएगा आने वाले आप टाइम में देखना, आपको हम बुलाएंगे और बड़ा ही सब तरीके से। 2022 के चुनाव में भीम आर्मी उतरेगी? बिल्कुल, 2022 का चुनाव, 2022 में भीम आर्मी पूर्ण बहुमत से लड़ेगी। और देखिएगा हर स्टेट में लड़ेगी, नेशनल लेवल पर लड़ेगी पार्टी, हर स्टेट में लड़ेगी। क्या कहोगे आज पार्टी बहुजन मूवमेंट, क्या कहोगे आज एएसपी पार्टी बनी है? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं खुद आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में मैं महासचिव, पश्चिम उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। मैं खुद आज इस जो मिशन है, जो काशीराम जी का दौरा रह गया था उसको पूरा करने के लिए मैंने आज खुद इसमें जो है ज्वाइनिंग करी है, और इस मिशन को हम बढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे। जो काशीराम जी के सपने अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करेंगे। बिना रतन जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के, उन्होंने अभी अपने भाषण में कहा कि माननीय साहब ने जो मिशन चलाया तो उनके बाद मिशन बिल्कुल नहीं चाहिए, इस बात से सहमत है? हाँ बिल्कुल सहमत है। माननीय काशीराम साहब जब तक रहे हैं, जब तक अति पिछड़ा समाज और जो है पूरा का पूरा जितना भी बहुजन समाज है वो बसपा के साथ रहा, और जब काशीराम जी नहीं रहे उसके बाद में मिशन रुक गया और मिशन से हमारी जो है बहन मायावती जी भटक गई है। और जी जी, कुछ लोगों का कहना है, जैसे माननीय साहब ने पंजाब से आके यूपी में आकर राजनीति चढ़े जाए, लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर को राजस्थान में जाना चाहिए, पंजाब में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मिशन की अभी कमी है राजनीतिक पार्टी ने, यूपी में तो पहले से ही बहुजनों की एक पार्टी है। आपको लगता होगा, पर अगर आज मैं अति पिछड़ा समाज होने के कारण कहता हूँ, हमें बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि इस पार्टी में जितनी हमारी हिस्सेदारी हमें भागीदारी बिल्कुल नहीं मिली, इस कारण से आज अति पिछड़ा समाज जो है बसपा से छिटक गया है। और बसपा आज कहाँ है, धरातल पे पहुँच गई है। जब तक अति पिछड़ा समाज को कोई भी पार्टी नहीं चुनेगी और अपने साथ नहीं लेके चलेगी, उसका मिशन पूरा नहीं हो सकता। जो माननीय काशीराम साहब का था उनकी मैं सम्मान करते हुए आज मैंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को त्याग के मैंने जो है आज चंद्रशेखर भाई का दामन इसलिए पकड़ा है, इन्होंने जो माननीय काशीराम साहब का इन्होंने सपना पूरा करने का वादा करा है, और मैं भी अपने अति पिछड़े समाज होने के नाते पूर्ण दायित्व से आज ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी अपने अति पिछड़े समाज के लिए इतना कार्य करना चाहते हैं जो आज तक उन्हें 72 साल में नहीं मिल पाया। हम ये उम्मीद करते हैं चंद्रशेखर भाई उस अति पिछड़े समाज को उसे आगे देने का काम करेंगे। अगर चंद्रशेखर भाई आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते फिर क्या? उसके लिए जैसे आज बसपा का हुआ है, आगे जो समाजवादी पार्टी का करा, अति पिछड़े में इतना इतना सक्षम है, जिसे चाहे उसे जमीन पर बैठा दिया और जिसे चाहे आसमान पर बैठा दिया, अति पिछड़े में इतनी ताकत है। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू का नारा दे रही है वो अति पिछड़ों की वजह दे रही है। आज अति पिछड़ों का हाल उनके यहाँ भी देख लेते हैं, ना तो उनके यहाँ हमें सत्ता में भागीदारी मिल रही है, ना हमें कहीं उनके जो किसी भी आज अगर हम किसी चीज़ का लिस्ट उठा के देख लें, ना हमें सत्ता में भागीदारी है, ना ही हमारी जो है किसी भी ना सांसद में है ना विधानसभा में, हम कहीं नहीं है, सिर्फ हिंदू के नाम पर ठगे जा रहे हैं। और इस समय मैं अपने समाज ने अभी खुद कहा कि हिंदू के नाम पर ठगे जा रहे हैं, लेकिन जो भीम आर्मी की पार्टी, इनकी एक विचारधारा है बहुजनों के लेकर, ठीक है, तो आप जो हिंदुत्व का नारा, तो आपस में विचारधारा कैसे मिलेगी, लोगों को कैसे जोड़ोगे? नहीं नहीं, ये तो भटकाया जा रहा है। आज जब हम जैसे नौजवान पिछड़ा तो सबसे पहले कहता है मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं, मैं क्या कर रहा हूं, जब भटकाया गया, जब क्या, जब नहीं था ये अति पिछड़ा, जब बहन जी को हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, जब भी तो यही था, पर इन्हें मिशन से भटकाया गया। जब आज हम जैसे युवा इसमें जुड़े हैं, हम उन्हें घर घर जाके उन्हें अपने बताने का काम करेंगे कि हमारा जो हित कहाँ पे है, हमारा हित जो है चंद्रशेखर भाई के साथ है आज, और हम तन मन धन से इनके साथ लगने के लिए तैयार हैं, और हम इन्हें सत्ता में 2022 में बैठाने के लिए आज प्रण करते हैं माननीय काशीराम जी की जयंती पे। आज हम इन्हें 2022 में इन्हें हम यूपी की गद्दी का राज दिलाएंगे, उसके बाद में इन्हें देश और प्रदेश में भी राजनीति करवाएंगे। जी सर, हमारे साथ और भी साथी है काफी, सर आइए। राजकुमार गौतम, नेशनल कोऑर्डिनेटर SC/ST एसोसिएशन ऑफ BSNL ऑल इंडिया, एंड वर्तमान में BSP का सेक्टर प्रभारी हूँ, कानपुर मंडल का वर्तमान में, और पहले चीफ जोन इंचार्ज भी था। मैंने बाम सेफ में 2002 से BSP में काम किया। जब मैं कोऑर्डिनेटर बना तब मुझे हकीकत पता पड़ा पार्टी की, क्योंकि मैं 31 जनवरी 2019 को रिटायर हुआ, उसके बाद पार्टी में आया। अब बी
बीएसपी छोड़ के क्यों आए हो? बीएसपी छोड़ वही बताना चाहता हूँ, बीएसपी छोड़ के बहन मायावती जी है ना, बहुत वैसे दिल की बहुत ही अच्छी हैं और काम भी अच्छा करती हैं, लेकिन हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, मैंने खुद देखा है, मेरे साथी जो कोऑर्डिनेटर सीनियर हैं, पहले मंत्री रहे हुए हैं, सिर्फ दलाली काम करते हैं, बहन जी को गुमराह करते हैं और बहन जी भी उन्हीं के बातों में गुमराह रहती हैं। कुछ दलाल तो आज मंच पर बैठे हैं, फिर कैसे विश्वास करोगे? देखिए चंद्रशेखर जी ने कहा है, चंद्रशेखर जी ने कहा है जो दलाली करना है, जो गलत कह रहे हैं वो तो मंच पर बैठे हैं, आज उनका स्वागत हो रहा है, पार्टी में आए हैं, पार्टी में आए हैं, हो सकता सुधार आ जाए उनमें, यहाँ आने पे सुधार नहीं आएगा तो यहाँ से भी जाएंगे। हमने तो 2002 से बाम से माए काम कर रहे, बराबर पार्टी में जब हम आए तो मैंने देखा कि ये जो कोऑर्डिनेटर है पार्टी को डुबा रहे हैं, इट इज 100% ओके, ये सही बात बहन जी कह नहीं कहते, जी 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 करते रहते हैं। मैं जब से कोऑर्डिनेटर बना बहन जी से बहुत बात हुई, वो जब बात करती है वास्तव में मेरे लगता है मेरी सगी बहन है, इससे मैंने कभी कम फील नहीं किया, लेकिन हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको सत्यता ना बता करके, नेता हैं हाँ जो मंडल के जोनल के नेता हैं वो सत्यता नहीं बता, मैं उनके साथ कई बार गया हूँ क्यों जो इस पद पे हूँ तो कई बार गया हूँ, वो जी 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 बहन जी जी बहन जी जी बहन जी बस इसके अलावा कुछ नहीं कहते हैं कि मुझे हटाना दिया जाए, कि उनको स्वार्थ है। मैं अभी जुलाई में आया था, उसके बाद मैं जिला प्रभारी मुख्य जिला प्रभारी 19 जुलाई 2019 को बना। आपको क्या लगता सर, अगर एएसपी जाकर वहाँ पर यूपी में चुनाव लड़ेगी 2022 का, बीएसपी पर कितना असर पड़ेगा? बीएसपी का हम ये नहीं कहता बीएसपी कितना असर पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ कि ये संगठन जून जुलाई तक जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी ईमानदारी से जून जुलाई तक, सवाल ये है सवाल का जवाब असर असर क्या पड़ेगा, असर ये पड़ेगा कि बीएसपी का, चलो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बीएसपी का सर श्रीमान जी इस समय वर्तमान में संगठन नहीं है, क्यों मैं उस पार्टी में इस समय ना सेक्टर में है ना बूथ पे है ना ही विधानसभा, सब फर्जी है, मैंने खुद देखा है अपने, तो असर नहीं पड़ेगा कोई है, बहुत असर पड़ेगा इनके पार्टीज बनने थी, बहुत ग्रोथ करेगी पार्टी, ईएसपी बहुत ग्रोथ करेगी, आपको पता लग जाएगा अभी जिला पंचायत के चुनाव में बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाली है, क्यों वहाँ सत्यता नहीं है, सत्यता से परे बात होती है, वहाँ कागजों में सिर्फ काम होता है, मंडल में चले गए मीटिंग लिख लिया बस काम हो गया, बूथ लेवल पर सेक्टर लेवल कुछ भी नहीं है, जिस प्रकार से बीजेपी काम करती है उसके हिसाब से बीएसपी इस समय कोई काम नहीं करी पार्टी का। भाई तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। सर क्या कहोगे आज पार्टी बनी है जिसकी लंबे समय से उम्मीद थी लोगों को? मेरा नाम मोहम्मद सलीम कुरैशी है और मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला महासचिव हूँ, आज ही मैंने पार्टी छोड़ करके आज़ाद पार्टी ज्वाइन की है, इसलिए ज्वाइन की है कि इस टाइम जो है यूपी में ही नहीं पूरे देश के अंदर जो है लोग एक अच्छे नेता की, एक संघर्षशील नेता की, एक ईमानदार नेता की, जो गरीबों का पिछड़ों का दलितों का शोषितों का अल्पसंख्यकों का सबका काम करे, चूँकि इस टाइम मैदान खाली है और चूँकि सारे के सारे जितने भी देश के नेता हैं वो बीजेपी के सामने, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के सामने, बीजेपी के गृह मंत्री के सामने बिल्कुल उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए चंद्रशेखर जैसे भाई को सामने आना पड़ा और जिस अंदाज से वो पिछले 5 साल से हम देख रहे संघर्ष कर रहे, जेलों में गए, मुकदमे कायम अपने ऊपर कराए, लेकिन उन्होंने लड़ाई बंद नहीं की। तो क्या क्या आप समाजवादी पार्टी से आए, अखिलेश को ईमानदार नेता नहीं मानते? नहीं नहीं सुनिए, देखिए एक बात सुनो, ये भैया जिस अंदाज की बात कर रहे ईमानदार, सुनिए सुनिए, अखिलेश भाई अगर ईमानदार नेता होते और ईमानदारी से काम करते तो आज एक बात सुनो, कहां है अखिलेश जी, नागरिकता संशोधन बिल CAA NRC NRP पर क्यों नहीं बोल रहे, NPR पे बतलाइए एक बार, कहां बोल रहे लोकसभा? नहीं मैं सुनिए, एक खबर सुनता हूँ, कहाँ बोल रहे हैं, ड्रेवे हैं बीजेपी से, बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए, मेरे से ज्यादा कौन जानता है अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव के जज्बे को देख के तो मैं साथ लगा था, अगर अखिलेश यादव अपना जज्बा कायम रखते तो आज यूपी में उनकी सरकार ना होती, बतलाइए। तो आप पे कैसे विश्वास करें, ये जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आप अभी समाजवादी पार्टी से आए हैं, यहाँ आपको मौका मिला, कहीं दूसरे जगह मौका मिल गया? नहीं, मुझे यहाँ कोई पद ही नहीं चाहिए, मुझे कोई मौका नहीं चाहिए, मैं तो एक बात सुनो, देखिए मैं 16-17 साल समाजवादी पार्टी में रहा, बीच में मैं 10 साल बीएसपी में भी रहा और मैंने सारे पद मुझे मिले, मैं पद ही नहीं चाहता, मैं तो एक बात सुनो, इसका भीम आर्मी का आज़ाद समाज पार्टी का एक सहयोगी हूँ, इनकी विचारधारा को पसंद करता हूँ, इनके जज्बे को सलाम करता,
करता हूँ, चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चंद्रशेखर जैसे एक बात सुनो, लोग सामने आ रहे हैं, इनका संगठन बन रहा, ताकि हम लोगों को इंसाफ मिले। कौन बोल रहा हमारे लिए? लेकिन एक सवाल है सर मेरा आपसे, भीम आर्मी में कहा जाता है यूथ की एक बड़ी टोली है, यूथों ने संघर्ष भी करा है, लड़ाई लड़ी, आंदोलन करे हैं, जेल भी गए हैं, वो कहीं ना कहीं अभी देख रहे थे, कई लोग चर्चा कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मंच पर तो सारे बुजुर्ग लोग जो दूसरी पार्टियों में रहे हैं वही फिर आके बैठ गए। देखिए साहब एक बात सुनिए, जितने लोग मंच पर हैं मैं करीब करीब सबको जानता हूँ, अभी दलाल कोई इस मंच पर नहीं आया, इस पर जितने लोग हैं वो सारे सम्मानित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और बहन जी के या समाजवादी पार्टी के सताए हुए लोग हैं, उन्हें वहाँ उनका हक नहीं मिला जितनी उन्होंने वहाँ मेहनत की, इसलिए एक बार आज बीएसपी भी डूब रही, समाजवादी भी डूब रही। अगर इन लोगों को सम्मान मिलता, इन लोगों को इनका हक मिलता, चूँकि वजह क्या है, जितने लोग मंच पर, इनके पास पैसा नहीं था, इन्होंने पार्टी के लिए काम किया, इन्होंने मंत्री, इनको मंत्री नहीं बनाया, इनको MLC नहीं बनाया, इनको राज्यसभा दी, करोड़ों करोड़ों रुपए ले करके राज्यसभा देने का काम किया, मिनिस्टर बनाने का काम किया, MLC बनाने का काम किया, और इनको क्या किया, किसी को मंडल कोऑर्डिनेटर बनाया, किसी को पश्चिम का प्रभारी बनाया, किसी को कुछ बनाया, ताकि एक बात सुनो, पार्टी को चंदा मिले, पार्टी के लिए लोग काम करते रहे, और दूसरे लोगों से पैसा ले करके उनको बना दिया गया। चलिए ठीक है, और भी हमारे साथ बहुत यूथ हैं भीम आर्मी के, क्या क्या कहोगे सर, आज पार्टी बन गई है ASP भीम आर्मी के, लंबे समय से लोग कह रहे कि इन्हें राजनीति में आ जाना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर तो बार बार मना करते रहे। साथियों मैं कुछ भी बोलने से पहले बताऊंगा, आज बहुजन मूवमेंट के जो सुप्रीमो थे साहेब काशीराम, आज उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज़ाद समाज पार्टी बनी है, और ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के अंदर एक ऊर्जा का विषय है, क्योंकि जो आज आप देख रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी बैकफुट में हैं, सब BJP के सामने घुटना टेक चुकी हैं, और बहुजनों की आवाज़ उठाने वाला कोई भी एक ऐसा लीडर मैदान में नज़र नहीं आ रहा, कि चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो, वो सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला, उनके दर्द सुनने वाला कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आ रहा। तो आज सभी लोगों ने मिलकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ बने हैं, आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तो आज भी नहीं चाहते थे कि ये पार्टी बने, लेकिन जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों के कहने पर ये पार्टी बनी है, और ये पार्टी कहीं ना कहीं दबे कुचलों की आवाज़ बनेगी। तो क्या क्या लगता है, जैसे चंद्रशेखर भाई ने अभी कहा कि 2024 में हम तैयारी करें, क्या 2022 का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा यूपी का? सर 2000 देखिए, ये देश मूल निवासियों का है, और इस देश के अंदर अभी 6 महीने बाद जो बिहार का इलेक्शन है उसके अंदर भी इलेक्शन फाइट भी करेंगे और जीतेंगे भी, ठीक है ना, ये नहीं कि 22 और 24 की बात नहीं है, जो भी इलेक्शन हो गए उसके अंदर जो आजाद समाज पार्टी, बहुजनों की अनेक पार्टियां बनी हुई हैं, रोज कहीं ना कहीं रजिस्टर होती हैं, क्या उन्हीं पार्टियों की तरह इसकी हालत बन के रह जाए, इसका डर भी है कहीं ना कहीं? देखिए सर, जो लोग निसंदेह समाज में काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो वो लोग ऐसे नहीं हैं। देखिए आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं, कि साहेब काशीराम ने जो शोषित वंचित समाज को जागरूक किया था, जो उन्हें एक्टिव किया था, आज वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, लेकिन जो चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो उनकी आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आज तक अभी तक 4 बार BSP उत्तर प्रदेश के अंदर जो उन्होंने राज किया है वो साहेब काशीराम जी की आइडियोलॉजी थी, लेकिन वो जो कैश था वो उन्होंने कैश कर लिया, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं कि बहन जी ने ना जमीनी स्तर पर समाज के लिए और देश के लिए कुछ काम नहीं किया।